तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये टच स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो टच स्क्रीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन को बेसिकली चेक कैसे किया जाता है, उस मोबाइल फोन को चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करने का सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो में लेकर गया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र, मेडिटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल के बारे में आपको कंप्लीट मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका सिखाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का हम लोग पूरा सफर तय करते हैं। कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, रिपेयरिंग करने का टेक्निक क्या है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये जितने भी सारी वीडियो है ये ट्रेनिंग पर्पज पे ही वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आप लोग वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काफी साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हैं, और मोबाइल फोन में सिर्फ वो पार्ट चेंज करना, कंपोनेंट चेंज करना या कॉम्बो बदल दिया, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन अंदर के बारे में, उनका रिपेयरिंग के बारे में पूरा डिटेल से कोई अच्छा खासा अनुभव नहीं है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को मदद मिल रही है, वीडियो के माध्यम से सीख भी रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टच स्क्रीन के ऊपर। टच स्क्रीन हमारे जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन पाए जाते हैं, स्मार्टफोन पाए जाते हैं, सभी मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पाई जाती है। और टच स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन को चलाने का काम करती है, ऑपरेट करने का काम करती है। क्या काम करती है? ऑपरेट करने का काम करती है। अब मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल आपको बता भी देता हूँ। ऑपरेट करती है मतलब डिस्प्ले के अंदर जो फंक्शन होते हैं उन सारे फंक्शन को ऑपरेट करती है। या फोन में थ्री टाइप में आती है। ये जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में थ्री टाइप में पाई जाती है। थ्री टाइप का मतलब क्या होता है, मतलब तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार में से वो मोबाइल फोन में लगी होती है। कैसे लगी होती है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया हमारी सबसे पहली टच आती है, जिसको हम लोग सिंपल टच बोलते हैं। सिंपल टच जो होते थे ये हमारे ओल्ड मोबाइल फोन में आती थी, जो पुराने हैंडसेट आते थे उसमें आती थी। ये टच क्या होता है, डिस्प्ले के ऊपर ऐसे ही लगी होती थी, और उसको क्या किया जाता है, जैसे आप सेपरेटर मशीन के द्वारा जब हम लोग गर्म करते थे, तो गर्म करने से क्या रहता है कि तो उसको टच अलग हो जाती थी और डिस्प्ले क्या हो जाती थी, अलग हो जाती थी। तो दोनों को अलग अलग कर दिया जाता था। अलग अलग करने के बाद फिर हम लोग उसको चेंज कर पाते थे। मतलब सिंपली टच लगी होती थी और उसको सेपरेटर से गर्म करिए, गर्म करने के बाद टच अलग हो गई और डिस्प्ले हमारी अलग हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल टच जो होती थी ओल्ड सेट में पाई जाती थी, इसको हम लोग क्या कर देते थे, इजीली गर्म करके बाहर निकाल देते थे और चेंज कर देते थे। उसके बाद दूसरी टच आई हमारी ओसीए टच। ओसी टच क्या होती है, डिस्प्ले टच आपस में चिपकी होती है। डिस्प्ले टच कैसी होती है, आपस में मेल्ट होती है, बिल्कुल चिपकी हुई होती है। मेल्ट होने के कारण से क्या होता है, उसको सेपरेटर से उसको कटिंग किया जाता है, कटिंग वायर आता है ना, उस कटिंग वायर से उसको अलग अलग किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है, मतलब टच को अलग किया जाता है, डिस्प्ले को अलग किया जाता है। अब जो इस समय नए जितने भी सारे फोन आ रहे हैं, सारे नए मोबाइल फोन में टच के अंदर डिस्प्ले इनबिल्ट टच आ रही है। डिस्प्ले इनबिल्ट टच आ रही है, मतलब डिस्प्ले टच कैसी होती है, वो बिल्कुल इनबिल्ट होती है, वो अलग अलग उसको आप कर ही नहीं सकते। उसमें क्या होता है, ग्लास लगा होता है। क्या लगा होता है, ग्लास लगा होता है। तो सबसे पहली टच आती है जो हमारी सिंपल टच होती है, दूसरी हमारी जो टच होती है जिसको ओसी टच बोलते हैं, उसके बाद हमारी डिस्प्ले इनबिल्ट टच होती है, जो डिस्प्ले में इन भी क्या होती है, इनबिल्ट होती है। डिस्प्ले में इनबिल्ट होने की वजह का मतलब होता है उसमें ग्लास लगा होता है, उसमें ग्लास को कटिंग किया जाता है, ग्लास को चेंज किया जाता है। अच्छा, टच मार्केट में लेने जाएंगे तो ये समथिंग आपको समथिंग 120 रुपए या 150 रुपए तक की मिलती है,
लेकिन ग्लास जो मोबाइल फोन के आते हैं वो 40, 50, 60 रुपए के मिल जाते हैं, विद ओसीए सहित ग्लास मिल जाते हैं। टच में फिलहाल अभी ओसीए नहीं आती, ओसीए आपको लगानी पड़ती है, लेकिन ग्लास में ओसीए लगा हुआ आता है। लेकिन आप जो ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिस मोबाइल फोन में से ग्लास लगा होता है, डिस्प्ले में टच इनबिल्ट होती है, अगर कल को उसका टच काम करना बंद कर देता है तो आपको पूरा काम्बो ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा स्क्रीन ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा फोल्डर ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जिसमें टच लगी होती है अगर वो इनकेस में से काम करना बंद कर देती है तो आप टच को अलग से चेंज कर देते हैं और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो सिंपल टच आती है वो सिंपल टच हमारे ओल्ड हैंडसेट में पाई जाती है, जितने भी पुराने मोबाइल फोन पाए जाते हैं उन सभी पुराने मोबाइल फोन में आपके ओल्ड सेट की जो टच होती है वो पाई जाती है, वो सिंपली ऐसे गर्म करके अलग अलग हो जाती है। लेकिन अब फिलहाल आज के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो सैमसंग के एस डॉस मोबाइल फोन आते थे या सैमसंग के ग्रैंड प्राइम मोबाइल फोन आता था वहां तक उस चीज का चलन आया है, उसके बाद बंद हो गया। जब से G2 है, J7 है, ओप्पो के मोबाइल फोन, वीवो का मोबाइल फोन, ये सब मोबाइल फोन आना चालू हो गए, तब से मोबाइल फोन में से टच का सिस्टम बंद हो गया, टच इनबिल्ट हुई और अब तो टच का काम ही खत्म हो गया। अब सिर्फ ग्लास ग्लास आता है, सिर्फ ग्लास चेंज किया जाता है और ग्लास ही चेंज होता है। तो इस तरीके से टच की बात है कि टच खराब हो जाती है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं। नोट, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। टच ब्रेक होने पर क्रैक होने पर, ब्रेक हो गई, टूट टाट गई, क्रैक हो गई, या ऑटो वर्क करे, टच ब्रेक होने पर, क्रैक होने पर, ऑटो वर्क करने पर, ऑटो का मतलब होता है अपने आप काम करने पर, अपने आप काम करती है, टच ब्रेक होने पर, क्रैक होने पर, ऑटो वर्क करने पर कोई एरिया वर्क ना करने पर, कोई एक एरिया ना काम करने पर, कोई एक एरिया का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास जो टच होती है, टच के अंदर कोई एक एरिया जैसे बैक बंद हो गया, कोने का साइड का बंद हो गया, बीच का बंद हो गया, या कहो 1, 2, 3 ना काम करे बाकी सब कुछ काम करे, तो मतलब कोई एक एरिया काम करना बंद कर देता है, तब भी आपके मोबाइल फोन में ऐसी समस्या आती है कि टच काम करना बंद हो जाती है, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, टच को चेंज कर देते हैं। तो टच को रिपेयर करने का मतलब है टच को चेंज करना, टच को चेंज करते हैं, टच को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर खराब हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, दूसरा लगाया जाता है, ये इसकी रिपेयरिंग होती है। टच को चेंज करना, बदल देना, यही इसकी रिपेयरिंग है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे मोबाइल फोन के अंदर टच और डिस्प्ले, टच प्लस डिस्प्ले दोनों मिलके ही कॉम्बो बनता है। टच डिस्प्ले जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉम्बो बन जाता है, इसी को कॉम्बो भी कहते हैं, इसी को हम लोग फोल्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं। अब जैसे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सबसे पहले अलग अलग जो कॉम्बो है, इस कॉम्बो के भी कई अलग अलग लेयर्स होती हैं। मैं कॉम्बो के अंदर के लेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, कौन कौन से ऐसे लेयर्स होती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे सबसे पहले कॉम्बो में जो ऊपर की लेयर लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टच, उसके बाद कॉम्बो के अंदर दूसरी लेयर लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओसीए सीट, उसके बाद कॉम्बो के तीसरी लेयर लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड फिल्म, उसके बाद इसके अंदर चौथी लेयर लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले एक्चुअली क्या होता है, ये ट्यूब की तरह होती है। फिर उसके बाद आपका डिस्प्ले के नीचे जो लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट। तो आपका पहला जो कॉम्बो आने का जो स्टाइल है वो इस तरीके से होता है। उसके बाद सेकंड मैं आपको बताता हूं, सेकंड कॉम्बो कैसा है, या सबसे पहली लेयर जो होती है उसके अंदर
ये आपकी पहली लेयर होती है, ये हमारा ऊपर लगा होता है ग्लास। क्या लगा होता है? ग्लास। उसके बाद ग्लास के बाद दूसरी जो लेयर लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं ओसीए। क्या बोलते हैं? ओसीए। इसके बाद जो तीसरी लेयर लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड फिल्म। उसके बाद हमारी चौथी लेयर लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टच प्लस डिस्प्ले, ये इनबिल्ट होती है। उसके बाद नीचे की लेयर लगी होती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। अच्छा, ये दोनों जो सिस्टम होता है इसमें भी एलसीडी का ही उपयोग होता है और इसमें भी एलसीडी का प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में से जो अगला जो काम्बो आता है, जो ओलेड काम्बो आता है, ये भी काम्बो का ही कैटेगरी है, लेकिन ये बात करते हैं ओलेड की। ओलेड काम्बो में सबसे पहली जो लेयर लगी होती है वो तुम्हारी ग्लास की होती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर लगी होती है इसको हम लोग ओसीए बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरी लेयर लगी होती है इसको हम पोलराइज्ड फिल्म बोलते हैं। ग्लास, ओसीए, पोलराइज फिल्म। उसके बाद अगली लेयर लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले टच लाइट, इसी के साथ में इनबिल्ट होता है, मतलब ओलेड होती है। ओलेड का मतलब होता है बहुत सारे माइक्रो एलईडी बल्ब से मिलकर के बनी होती है, इसलिए उसको ओलेड बोला जाता है। और मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारा मतलब डिस्प्ले के लिए लाइट का अलग से कोई सर्किट नहीं होता, मतलब लाइट के लिए कोई पत्ता नहीं लगा होता। तो ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करते हैं कि सीधे उस मोबाइल फोन में अगर डिस्प्ले खराब हो जाती है, डिस्प्ले ब्लैंक आती है या कुछ नहीं आता, ग्रीन ब्लू लाइनिंग कलर आना चालू हो जाती है, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन पर मोबाइल फोन के अंदर हम लोग काम्बो को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, काम्बो नया लगा देते हैं। नया लगाने के बाद हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में से काम्बो का ये हमारा सीन होता है। और अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूँ कि जितने भी सारे काम्बो आते हैं उन सारे काम्बो के अंदर ये जो आपका एरिया होता है, जो ओसीए वाला एरिया होता है, क्या होता है? ये जो तुम्हारा ओसीए वाला एरिया होता है इसी ओसीए वाले एरिया से ही कटिंग होती है। जो कटिंग का एरिया होता है कि जहां पर ओसीए की सीट लगी होती है इस ओसीए सीट को ही काटा जाता है। जब ओसीए सीट को आप काटेंगे तो इसी ओसीए सीट को काटने के बाद इन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है, और अलग अलग करने के बाद आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है और आपका ग्लास टूटा फूटा एरिया अलग हो जाता है और डिस्प्ले का एरिया अलग हो जाता है, चलता रहता है। जिस फोन में टच इनबिल्ट होता है अगर आप ग्लास को काट के अलग कर देंगे फिर भी आपका चलता रहेगा। आप साफ सुथरा करिए, क्लीन करिए, नए ग्लास को पेस्ट कर दीजिए और आपका मोबाइल फोन पूरा फर्स्ट क्लास काम्बो रेडी हो जाएगा, काम तक चालू हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको टच के बारे में बताया है कि हमारे मोबाइल फोन में टच स्क्रीन कैसे काम करती है और टच कैसे कैसे टाइप्स में आती है और काम्बो क्या चीज होता है, काम्बो में कैसे कैसे लेयर्स होती हैं, उन सब चीजों के बारे में मैंने आज आपको डिफाइन करके बताया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टच के बारे में, काम्बो के बारे में, उसको कटिंग कैसे करना है, उसको कैसे चेंज करना है या कहाँ से कटिंग करना है, उसके अंदर क्या क्या लेयर्स होती हैं, उन सब चीजों के बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के ऊपर और हम नई चीजों के बारे में सीखेंगे। ये दोस्तों जितनी भी सारी वीडियो हैं ये बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो हैं। अगर ये मेरी 15 से 20 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मोबाइल फोन में काफी कुछ चेक करना आ जाता है और मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर करने का टेक्निक क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में एक आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा। तो इन वीडियो के माध्यम से जितने भी सारे स्टूडेंट लोग जो सीख रहे हैं अगर उनको अच्छा समझ में आ रहा है, बेहतर समझ में आ रहा है, तो वीडियो को दोस्त शेयर जरूर करें, नीचे मैसेज करें और हमारी वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, स्टोरी पे भी लगाएं ताकि आपके जैसे और भी ऐसे लोग हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। अच्छा, ये जितना भी सारा सब चीज मैं आपको बताता हूँ अगर आप उनको कॉपी में अच्छे से नोट करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा
और मोबाइल फोन रिपेयरिंग में एक आपको अच्छा खासा भी आपको अनुभव मिलेगा और एक नया बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। जो ऐसे बच्चे हैं जो लोग मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में लाइन में काम तो कर रहे हैं कई साल से, लेकिन उनको अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, या उनको हैंड स्किल में परफेक्टनेस नहीं है, या मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट ट्रबल शूटिंग के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। और अगर आप इन सब चीजों को पूरा अगर एक सुयोजित तरीके से अगर बैठ करके पूरा सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर कानपुर में पड़ता है, कानपुर जो स्टेशन पड़ता है रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन से 500-600 मीटर दूर पर एक मार्केट है जिसको हम लोग सागर मार्केट बोलते हैं, और यहाँ पर दुनिया जान के सारे लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कराने के लिए ही आते हैं। तो हमारे बच्चे लोग को सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, प्रैक्टिकली अनुभव मिलता है, और उनको अच्छी तरीके से काम का नॉलेज मिलता है, मोबाइल फोन का टूल्स क्या है, कौन सा टूल्स कहाँ पर मिलता है, कैसे टूल्स को खरीदा जाता है, हार्डगन मशीन क्या है, सेपरेटर क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, डीसी पावर सप्लाई मशीन क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत खासा अनुभव आपको मिलता है और यहाँ पर रह करके सीख सकते हैं। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल जाती है, वो चाहे तो यहाँ पर रह सकते हैं और रहने के बाद वो अपना पूरा 45 दिन में अपने कोर्स को पूरा पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको फुल डे क्लास का पूरा सिस्टम रखे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लास चलती है, जिससे उनको पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। हम लोग उनको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से ट्रेंड करते हैं ताकि वो काम भी कर पाए, उस चीज को सीखे और अपने हिसाब से उसको समझे और मोबाइल फोन को ठीक करें। तो इस तरीके से दोस्त आपको सिखाया जाता है। अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा नीचे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711 और 6391211211। इसमें किसी नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के बारे में आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास कैसे चल रही है, तो दिन में कभी भी वीडियो कॉल करके भी क्लास के बारे में आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर और नए वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।